बिहार के भागलपुर में गंगा नदी पर बन रहे अगवानी सुल्तानगंज पुल के गिरने पर जमकर राजनीति हुई शुरू। लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री पर किया हमला। चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री खुद इंजीनियर है, फिर भी उनका ड्रीम पुल निर्माण के दौरान दो दो बार कैसे गिरा, इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। वहीं चिराग पासवान ने कहा कि अगवानी पुल का धराशाही होना सीएम की नाक के नीचे हो रहे भ्रष्टाचार का पुख्ता प्रमाण है। चिराग पासवान ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं, वह देश की यात्रा करने में व्यस्त है। अगवानी पुल हादसे को लेकर आईआईटी रुड़की ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सौंपी अपनी जांच रिपोर्ट, राज्य सरकार अब जांच कर करेगी कार्रवाई। बिहार के भागलपुर जिले में गंगा नदी पर बन रहे पुल के पिलर 10 की सेगमेंट में गड़बड़ी आने के कारण पुल गिरने का मामला आया सामने। पटना में 23 जून को होगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विपक्षी एकता की बैठक, कई दलों के बड़े नेता होंगे शामिल। इस बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी, शरद पवार, हेमंत सोरेन, स्टालिन, अखिलेश यादव होंगे शामिल। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने दी जानकारी। बिहार की राजधानी पटना समेत प्रदेश के 17 जिलों में भीषण गर्मी से लोगों का हाल हुआ बेहाल, 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा तापमान। मौसम विभाग ने अररिया, सुपौल, खगड़िया, शेखपुरा, भागलपुर, पूर्णिया, बांका और बेगूसराय में भीषण गर्मी के साथ हीट वेव की जारी की चेतावनी। बिहार में मैट्रिक व इंटरमीडिएट के परीक्षार्थियों को परीक्षा संबंधित तमाम सूचनाएं अब बिहार बोर्ड के द्वारा SMS से कराई जाएगी उपलब्ध। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वाइटल बायोलॉजी सेंटर गुरुजी ओपी राय, 25 वर्षों से दरभंगा में लगातार छात्र छात्राओं को मेडिकल एवं ट्वेल्थ के क्षेत्र में सफलता हासिल कराने वाला एकमात्र संस्थान।